हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज की क्लास में हम सब जो है इंडियन मैप को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये पीडीएफ है इंडियन मैप का, और ये क्लास जो है इसमें हम सब जो है जानेंगे हरियाणा के बारे में। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम सब जो है देखते हैं। तो इससे पहले हम सब जो है पंजाब के बारे में देखे थे। पंजाब जो है इसको हम डिटेल से पढ़ाए हुए हैं यूट्यूब पर। आप जो है प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा तो आपको जो है वहाँ पर मिल जाएगा। तो हरियाणा, ये देखिए हरियाणा, हरियाणा जो होता है, हरी का मतलब होता है भगवान, और याना यानी भगवान का घर कहा जाता है। हरियाणा को जो है भगवान का घर कहा जाता है। और इसकी राजधानी की बात किया जाए तो राजधानी कहाँ है हरियाणा की राजधानी, तो ये चंडीगढ़ है इसकी राजधानी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। साथ में देखा जाए तो हरियाणा जो है इससे पहले महाभारत में जो है हरियाणा को हस्तिनापुर कहा जाता था, और यहीं जो है कुरुक्षेत्र है, यहीं पर जो है महाभारत की जो है लड़ाई 18 दिनों तक जो है चला था। तो इसमें लिखा गया है कि इसे भगवान का घर कहा जाता है और इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। साथ में देखा जाए जब ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश जब अंग्रेज सब आया हुआ था तो उसी को बोलते थे ब्रितानी भारत। जब ब्रिटिश का जो है अधिकार था यूनाइटेड किंगडम वाला का, तो उसमें जो है हरियाणा में जो है, ये हरियाणा पंजाब का ही अंग था, आपको बताए थे। पेप्सू से ही जो है जाना जाता था पंजाब पहले, और उसी में हरियाणा है, उत्तराखंड हो गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश नहीं, हरियाणा हुआ, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान का कुछ हिस्सा आता था, पेप्सू में आ जाता था। तो जब ये ब्रितानी भारत में क्या था, हरियाणा पंजाब का ही हिस्सा था, और 1966 में जाके जो है ये 1966 में भारत का जो है सातवां जो है राज्य के रूप में ये इसको पहचान मिला। देखा जाए तो हरियाणा और पंजाब दोनों में जो है 22 जिला है, जिसमें से जो है ये पंचकूला हुआ, अम्बाला हुआ, यमुनानगर हो गया, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जिंद, रोहतक, झज्जर, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी हो गया, दादरा गढ़, हो गया, गुरुग्राम, रेवाड़ी, नूह, पडवल और फरीदाबाद। तो ये 22 जिला जो इसमें हैं, आप जो है मैप के सारे इसमें देख सकते हैं, ये 22 जिला है। तो ये 22 जिला को आप देख सकते हैं। ये सब पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये पूरा जो है पढ़ाए हुए हैं, ये पीडीएफ का केवल अभी रिवीजन हो रहा है। आगे देखिए कि इसमें जो है पंचकूला, तो पंचकूला यहाँ पर जो है तैनात वन्य जीव अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में अंतर होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहाँ पर लोग जो है क्या करते हैं कि उनको सिर्फ घूमने दिया जाता है, वहाँ पर रह नहीं सकते हैं, और तो वो केवल पशु पक्षी, क्योंकि दुनिया में लोगों को रहने के लिए तो मतलब सब जगह है, वहाँ पर लोग जो कहीं भी बस सकता है, पैसा है तो जीवन और ज़मीन वगैरह खरीद के रह सकता है, लेकिन पशु पक्षी के लिए को भी रहने के लिए कुछ जगह चाहिए। तो सरकार जो है ऐसा काम किया है कि कुछ जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्रिएट किया है, और वहाँ पर जो है पशु पक्षी अपना जो है जीवन व्यतीत करते हैं। तो वहाँ पर जो है डिस्टर्ब जो है इंसान नहीं करता है, वो सरकार की देख रेख में होता है, और वैसे ही नेशनल पार्क होता है। लेकिन नेशनल पार्क में क्या होता है, वहाँ पर लोग जाके घूम सकता है टिकट वगैरह जैसे, और उसी का छोटा रूप जो है चिड़ियाघर होता है। तो यहाँ पर जो है तैनात वन्य जीव अभयारण्य है। साथ में 1975 में जो है बीर सिकागढ़ वन्य जीव अभयारण्य जो है स्थापित किया गया था। और ये पंचकूला में जो है यहाँ पर पशु चिकित्सा के लिए जो है ये केंद्र जो है काफ़ी जो है फेमस है पंचकूला। साथ में यहाँ पर जो है गिर प्रजनन केंद्र है जो खोला गया था 1992 से 1993 में, तो गिर प्रजनन केंद्र। और साथ में जो है गिद्ध प्रजनन, तो ये भी है 2006 में खोला गया था। पंचकूला में जो है योग विश्वविद्यालय है, और साथ में जो है दवा ये जो प्रसिद्ध योग के लिए और चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे प्रसिद्ध जो है झील है सुखना झील है और टिकरताल झील है पंचकुला में। साथ में ये पर्यटक स्थल के लिए फेमस है, और यहीं जो है राम रहीम बाबा जो है यहीं के थे, तो आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए अम्बाला, तो अम्बाला में जो है ये सैनिक छावनी हुआ,
एशिया में जो है देखा जाए तो सबसे बड़ा सैनिक छावनी जो है भटिंडा में है, पंजाब में, आपको पढ़ाए थे। और ये सैनिक छावनी प्रत्येक राज्य में जो है अपने सैनिक छावनी, वहाँ पर लोग सैनिक लोग आर्मी लोग जो है रहते हैं, और वो लोग जो है युद्ध के वक्त जो है जाते हैं या फिर और भी जो है इलेक्शन वगैरह होता है तो उस टाइम में उनका यूज होता है। तो सैनिक छावनी यहाँ है, साथ में राफेल जो है फ्रांस से जो है यहीं पर पहली बार जो आया था। फ्रांस से जो है वो सबसे पहले दुबई आया था, और इतना लंबा सफ़र तय करने के कारण दुबई में जो है फिर से जो फ्यूल रिफिल किया गया, फिर यहाँ पर लाया गया था। उसके बाद कुरुक्षेत्र, तो ये जानते होंगे कि महाभारत का युद्ध जो है यहाँ पर लड़ा गया था कुरुक्षेत्र में। कितने दिन तक चला था? तो 18 दिन तक चला था, और 18 पर्व, प्रत्येक दिन जो अलग अलग लेसन होता था। तो महाभारत के जो लेसन होता है ना उसको हम पर्व बोलते हैं, और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण पर्व जो है भीष्म पर्व था। और इसी में जो है यही भीष्म पर्व में जो है श्री कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को जो है अपना उपदेश दिए थे, उनका जो समस्या था बताए थे, वो युद्ध से जो है युद्ध करना नहीं चाहते थे तो बताए थे रणभूमि में। तो महाभारत का युद्ध हुआ, 18 दिन तक चला, 18 पर्व हुआ, उसमें भीष्म पर्व जो है ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण पर्व रहा है, और उसी को जो है गीता या भगवद गीता कहा जाता है। साथ में जो है महाभारत के जो राइटर की बात किया जाए तो महर्षि वेद व्यास हैं। उसके आगे देखेंगे तो करनाल हुआ, तो करनाल में क्या है कि डेयरी अनुसंधान केंद्र है। तो डेयरी अनुसंधान केंद्र क्या हुआ, करनाल में हो गया। और यहाँ के जो है एक प्रसिद्ध थी कल्पना चावला जी, ये भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष यात्री थी। इनको जो है ले गया गया था, ये अमेरिका का जो है अंतरिक्ष शटल मिशन के तहत जो है इनको ले गया गया था। वहाँ पर जो है 7 जो है मतलब अंतरिक्ष यात्री गए थे, लेकिन हुआ क्या था कि वहाँ पर इधर से ले गया गया तो सब कुछ ठीक था, उधर से वापस लौटने के वक्त जो है क्या होता है कि जो यान होता है, जेट इंजन जो होता है, दो टाइप का जो अगर उड़ रहा है कोई भी चीज़ तो दो टाइप की इंजन लगता है, एक जेट इंजन और जो एरोप्लेन वगैरह में होता है जेट इंजन, और धरती अंतरिक्ष में जाना है तो उसमें को रॉकेट इंजन लगता है। तो रॉकेट इंजन जो है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि इसके ऊपर जो है आप देखे होंगे वो जैसे PSLV GSLV है, तो इसके ऊपर कलाई जो है लगाया जाता है वो एल्यूमिनियम का परत होता है। तो यही परत जो है उसका कुछ डैमेज हो गया था, और डैमेज हो जाने के कारण जो है वो उसमें जो है आग लग गया था वहाँ पर ऊपर से ही आने में, तो जिस कारण जो है उनका जो है मृत्यु हो गया था। तो 1 फरवरी 2003 को ये घटना हुआ था। इसमें जो है 7 जो है यात्री वहाँ पर जो है गए थे, लेकिन एक भी नहीं बच पाए। तो आगे जो है कैथल, तो कैथल में यहाँ पर 1240 में जो है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान जो है रजिया सुल्तान, तो इसकी हत्या जो है डाकू के द्वारा हुआ था। और ये पूरा जानकारी जो है आपको जो है मिल जाएगा, वहाँ पर डिटेल से पढ़ाए हैं कि क्यों हत्या हुआ था, क्या कारण था। इसमें मलिक अल्तुनिया था, मलिक याकूत थी, ये सब। उसके आगे देखेंगे पानीपत, तो पानीपत जो है भारत का अखाड़ा कहा जाता है, कॉकपिट ऑफ इंडिया और कॉकपिट ऑफ वर्ल्ड जो है यूरोप में देखा जाए तो वहाँ पर जो है इसको हॉलैंड और लग्जमबर्ग बेल्जियम को कहा जाता है वहाँ पर। तो यहाँ पर भारत का अखाड़ा कहा जाता है पानीपत, अखाड़ा इसलिए कि यहाँ पर निर्णायक वाला युद्ध हुआ था। तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, बाबर जब एंट्री मारा था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो है बाबर का बेटा जो है जब छोटा ही था, यानी हुमायूं, मतलब बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर के वक्त हुआ था, यानी बाबर के पोता के वक्त, वो छोटा ही था तो हुआ था बैरम खां वगैरह था, तो 1556 में। और इसके बारे में तो हिस्ट्री में पढ़ना है। और तीसरा युद्ध जो है 1700 जो है अफजाली जब आया था यहाँ पर तो हुआ था मराठा के द्वारा, तो 1761 में तीसरा युद्ध, तो 1526, 1556 और 1761 में हुआ था ये युद्ध। उसके बाद सोनीपत है, तो यहाँ पर देखिए कि सोनीपत जो है ये जो है यहाँ पर फेमस इसलिए है कि यहाँ अब्दुल नासिरुद्दीन का मस्जिद है, और ये निर्मित हुआ था 1272 ईस्वी में। साथ में जो है ख्वाजा खिजर का मकबरा है, ये इतिहास वगैरह में जो है किसी का बेटा दादा पोता वगैरह होगा। और 1522 से जो है 1525 में ये मरा था तो बना था, और पुराने किले के अवशेष यहाँ पर है। और यहाँ पर हिंदुओं का जो है देखा जाए तो बाबा धाम मंदिर फेमस है।
तो ये पिक्चर जो है वो रजिया सुल्तान की है ये पिक्चर। और आगे जो हम सब देखेंगे तो ये गुरुग्राम है। तो गुरुग्राम जो है यहाँ पर मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हुआ, साथ में जो है NSG कमांडो का जो है यहाँ पर केंद्र है, यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का कमांड, और साथ में इन्हीं को जो है ब्लैक मतलब कैट कमांडो कहा जाता है, ब्लैक कैट कमांडो। साथ में यहाँ जो है सुल्तानपुर पक्षी विहार भी है, और ये सुल्तानपुर पक्षी विहार आपको बताएं कि यहाँ पर जो है पक्षी को जो है रखा गया है ताकि उसका भी अस्तित्व जो है बना रहे। ऐसे बहुत सारा पक्षी जो है जैसे बिहार की राष्ट्रीय पक्षी गौरैया जो है तो ये विलुप्त हो चुका है, तो बहुत सारे पक्षी वगैरह जो है ये जा चुका है, ये टावर ये सब के कारण जो है और उसका कनेक्शन वगैरह जो है नहीं हो पाता है जिस वजह से। तो यहाँ पे सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है, और साथ में यहाँ पर सुल्तानपुर जो है नेशनल पार्क भी है, तो हरियाणा के जो है ये गुरुग्राम में, साथ में एक जो है मानेसर राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, मानेसर भी यहीं पर, मतलब मानेसर जगह है, मानेसर में सुल्तानपुर पक्षी विहार है। तो जैसे हुआ कि हरियाणा हुआ, हरियाणा में गुरुग्राम, गुरुग्राम के अंदर मानेसर, मानेसर में सुल्तानपुर, मानेसर जो है वो गुरुग्राम में ही पड़ता है, और मानेसर आता है NCR में, मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, यानी दिल्ली के आसपास जो है जो भी इलाका है तो वो NCR में आता है। साथ में देखेंगे फरीदाबाद, तो फरीदाबाद जो है ये दिल्ली के नीचे आपको मिल जाएगा, ये एरिया रहा फरीदाबाद का। तो ये वाला एरिया रहा फरीदाबाद का, ये गुरुग्राम हो गया, ये दिल्ली हो गया। तो फरीदाबाद जो है इसके नीचे है, यहाँ पर ट्रैक्टर का कारखाना है, ये भी फरीदाबाद जो है ये भी जो NCR में आता है, और यहाँ पर ट्रैक्टर का कारखाना है। और अब जो है किसान जब आंदोलन हुआ था तो वहाँ पर आप जानते होंगे कि ट्रैक्टर वगैरह लेकर जो है ये किस तरीके से वहाँ पर घेरा गया था वो सड़क को। साथ में जो है ये रोहतक हुआ, तो रोहतक जो है ये एशिया का सबसे बड़ा जो है कपड़ा का मिल जो है होलसेल का व्यापार यहाँ पर होता है। और हिसार जो है हरियाणा में ही है, भैंस अनुसंधान केंद्र है और बेफेलो रिसर्च सेंटर, तो उसमें भैंस अनुसंधान केंद्र पूछा जाएगा तो ये हिसार में है, लेकिन इससे जो दूध उत्पन्न होता है भैंस से तो वो कहाँ है, तो करनाल में है। भिवानी, तो भिवानी जो है गंगा सतलज के मैदान में बसे क्षेत्र, साथ में जो है दक्षिण में जो है थार मरुस्थल को छूता हुआ एक प्रमुख जो है ये शहर है। और तो भिवानी देखा जाए ना तो ये हुआ हरियाणा हुआ, और हरियाणा में देखा जाए तो ये हिस्सा भिवानी का मैदान कहलाता है, और ये तो दिल्ली का हो गया क्षेत्र, और इधर मालवा का कहलाता है, इधर जो है मालवा का कहलाता है, ये एरिया पूरा मालवा का हो गया, पंजाब में आपको जो है बताए थे। तो ये रहा हरियाणा, हरियाणा के बाद जो है दिल्ली, दिल्ली को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और इसका अगर पूरा आप पूरा फुल वीडियो चाहिए तो आपको जो है प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा वहाँ पर, और आपको मिल जाएगा इंडियन मैप करके, और उससे जो आप तैयारी कर सकते हैं इसमें। तो आज की वीडियो में बस इतना है, तब तक के लिए जय हिंद।